हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रेसिपी है नमकीन सेवइयाँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और इसमें मैंने डाले है शिमला मिर्च और आलू डाले हैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है मटर भी यूज़ किया है। तो आप इनको अच्छे से फ्राई कर लीजिए और इनको आप तब तक फ्राई करिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप इसमें कोई सी भी सब्जी यूज़ कर सकते हो जो भी आपकी पसंद की हो, और इसमें थोड़े से मटर मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं। अब इनको आप अच्छे से पकाते जाइए और ये देखिए इसका कलर इस तरीके से आता जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा टमाटर डालूंगी और टमाटर इसमें अच्छे से फ्राई कर लेने हैं इसके साथ, और लास्ट में देखिए इसका कलर इस तरीके से आएगा, और देखिए इसका कलर इस तरीके से खिलकर आएगा। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सारे मसाले डाल लीजिए जो भी आपको अच्छे लगते हैं। अगर आपको मैगी मसाला पसंद है तो इसमें आप मैगी मसाला भी ऐड ऑन कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने डाला है थोड़ा नमक, हल्दी, धनिया और मिर्च। अब आ गई है सेवइयाँ, तो सेवइयाँ भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो सेवइयाँ को भी आपको हल्के हल्के फ्राई कर लेना है इसके साथ, क्योंकि ये सेवइयाँ जो मेरे पास है ये ऑलरेडी फ्राइड है। तो आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड ऑन कर लेंगे थोड़ा सा पानी। इसे फुल आंच में हम इसे पकाएंगे। अगर आप इसे कम आंच में रखेंगे तो ये जो है गलगली सी बनेगी। तो इसे आप रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए। और टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें डाला है लेमन, और थोड़ा सा अगर धनिया हो तो मज़ा ही आ जाएगा। धनिया का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी इसे ऐड कर सकते हैं। और देखिए फिर हमारी जो है नमकीन सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई है, जो खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।